आज हम बनाएंगे साबुदाना खिचड़ी। इसे जनरली उपवास के टाइम पे खाया जाता है। इसे बनाना काफी आसान है और ये काफी टेस्टी भी बनती है, तो देखते हैं इसे कैसे बनाना है। हमें साबुदाने को एक घंटे के लिए भिगो के रखना है। साबुदाने को प्रेस करके देखिए ताकि आपको पता चले कि अच्छे से सॉफ्टन हुआ है कि नहीं। फिर हमें इसमें से पानी निकाल कर इसे साइड में रख लेना है 15-20 मिनट के लिए। हमें लगेगा 1 टेबल स्पून जीरा, थोड़ी सी शक्कर, थोड़ा सा नमक, थोड़े से रोस्टेड सिंगदाने। इसे आप अच्छे से क्रश करके रख लीजिए। फ्रेश बारीक कटा हुआ धनिया, 1 से 2 उबले हुए आलू, 3 छोटी हरी मिर्च, थोड़ा सा क्रश किया हुआ कड़ी पत्ता। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। 2 से 3 चम्मच हमें घी लेना है, उसमें क्रश किया हुआ या फिर अक्खा जीरा डालना है। हम इसे अच्छे से भून लेंगे और फिर हम डालेंगे इसमें कटी हुई हरी मिर्च। फिर हम इसमें डालेंगे क्रश किया हुआ कड़ी पत्ता। इसे हमने क्रश इसलिए किया है क्योंकि इसमें से सारे फ्लेवर्स निकल कर अच्छे से बाहर आएंगे। हमें इसे अच्छे से भून लेना है और हमें ध्यान रखना है कि ये जले ना। फिर हम इसमें डालेंगे हमारे उबले हुए आलू। हम आलू इसमें बाद में भी डाल सकते हैं, पर मैंने शुरुआत में ही डाला है क्योंकि आलू को अच्छा सा फ्लेवर आ जाएगा। फिर हम इसमें थोड़ी सी शक्कर डालेंगे और थोड़ा सा नमक। इस स्टेप की वजह से हमारे आलू अच्छे से फ्लेवर से कोट हो जाएंगे, थोड़ा सा स्वीट, थोड़ा सा चिली का फ्लेवर। फिर हम डालेंगे इसमें हमारे क्रश्ड रोस्टेड सिंगदाने। 1-2 मिनट के लिए हमें इसे भून लेना है और फिर हम इसमें डालेंगे हमारे साबुदाने। हम इसमें थोड़े और क्रश किए हुए सिंगदाने डालेंगे। अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा नमक और थोड़ी सी शक्कर। ध्यान में रखिए हमने पहले भी इन दो चीजों को डाला हुआ है आलू को भूनते समय। अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा फ्रेश कटा हुआ धनिया। बिल्कुल रेडी है हमारी साबुदाना की खिचड़ी। तो देखा आपने इसे बनाना कितना आसान है और ये काफी टेस्टी भी बनती है, और आप इसे उपवास के टाइम पे भी खा सकते हो, तो इसे जरूर बनाइए। आपका कमेंट सेक्शन में फीडबैक दीजिए। अगर आपको आज की रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और नोटिफिकेशन बेल को हिट करें।